मसला ये है कि उनके ख़िलाफ़ ये तीन केसेस ऐसे हैं, अगर ये प्रोसीड करेंगे वो आगे पेश होंगे, वो सज़ा से नहीं बच सकते। उनके पास यानी देखें ना, डिफेंस होता है कि जी मैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, आप पे इल्ज़ाम है, आप कहते हैं कि जी नहीं ये गलत है, मैं आई प्लीड नॉट गिल्टी। तो वो तो नॉट गिल्टी प्लीड ही नहीं कर सकता, वो कैसे कहेगा कि ये टेरियन वाइट मेरी बेटी नहीं है, वो कैसे कहेगा कि ये फॉरेन फंडिंग जो है ये मैंने नहीं की। वो सारी चीज़ें जो हैं वो सबूत, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। वो कैसे कहेगा कि ये तोशाखाना की चोरी मैंने नहीं की। वो कैसे कहेगा कि ये 50 अरब रुपए का टीका कौमी ख़जाने को लगा के एक प्रॉपर्टी टाइकून से मैंने 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है अपने और अपनी बीवी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवाई। वो रजिस्ट्री मौजूद है, इंतकाल मौजूद है, 240 कनाल वो जो फ्रंट मैन थी इसकी, फ्रंट पर्सन फराग गोगी उसके नाम है। फराग गोगी तकरीबन 12 अरब रुपए जो है थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो बाहर लेके गई है। कहाँ से ले गई है 12 अरब? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो इसके, जी बिल्कुल। और देखें इस आदमी की जो है वो डिटाई देखें, बेहयाई देखें। जब ये दूसरों को चोर डाकू कह रहा था, जब दूसरों का कह रहा था कि ये लूट रहे हैं, ये पैसे बाहर ले गए हैं, उस वक्त एन उस वक्त फरा गोगी जो है वो अरबों रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही, और वो इसकी फ्रंट पर्सन थी, उसका प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाकायदा जो है वो सिक्योरिटी फ्री थी, वो यानी एक ख़ानदान के फर्द के तौर पे उसका नाम का अंदराज था। वो जब आए, जब जाए, देयर वाज नो सिक्योरिटी बैरियर।